श्री भास्कर राव पाटिल जी, डॉक्टर माधव राव जी, श्री राम पाटिल जी, श्री भीमराव केराम जी, श्री तुषार राठौड़ जी, श्री राजेश परार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं दिल्ली से नांदेड़ आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आगे आओ प्रताप राव पाटिल जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज की सभा में इतने विपरीत माहौल में बारिश होने की तैयारी होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो भाई सेट कर बैठ जाओ सभी लोग, जरा प्लीज बैठ जाइए। यहीं रहकर मैं बोलने वाला हूं, बैठ जाइए। वो व्हाइट शर्ट बैठ जाओ जरा। सबसे पहले अभी गुड़ी पड़वा गया है, नए साल की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब राहेर नरसिंह मंदिर, कोलंबी मठ, दत्त प्रभु और सरबंस दानी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज महात्मा ज्योतिराव की जन्मतिथि है। महात्मा ज्योतिराव ने इस देश में सामाजिक क्रांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज इस अवसर पर दोनों ज्योतिराव और सावित्रीबाई दोनों को प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, थोड़ा मौसम बिगड़ गया है। कांग्रेस वालों को लगता है कि मौसम बिगड़ा है, मगर मैं उनको बताने आया हूं मौसम नांदेड़ का बिगड़ा है, देश का मौसम बहुत अच्छा है, 400 पार होने वाली है। आज की सभा देखकर शायद ही किसी के मन में इस शंका बच जाएगी कि प्रताप राव चिखलीकर प्रचंड मतों से रिकॉर्ड तोड़कर जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। नांदेड़ वालों, आपका एक एक प्रताप राव को दिया हुआ वोट सिर्फ नांदेड़ में प्रताप राव को नहीं जिताएगा, दिल्ली में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी जी ने ये दो टर्म के अंदर देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, 11वें नंबर से मोदी जी 5वें नंबर पर लाए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम संसार का तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में तीन पार्टियां इकट्ठा हुई है, एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में एक कहावत है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं आपको बताने आया हूं भाई और बहनों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई, ये तो वो आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ, ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या?
जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके तीन पहिए है मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता, इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसा एनडीए का कुंबा बैठा है। मैं आज नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है नांदेड़ वालों, हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो तो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे साहब, नांदेड़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10-10 साल तक ये सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से नहीं निकलता था। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कश्मीर को अलग नजरिए से देखने का सर। उनके समय में भी पुलवामा और उरी हुआ मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते वरना जवाब सहन करना पड़ता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने की। ये हमारे महाराष्ट्र के यहां से थोड़े दूर तक कभी नक्सलवाद फैला हुआ था, मोदी जी के 10 साल में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे नांदेड़ वालों बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 1924 के बीच में 5 ही साल में जजमेंट भी आया, भूमि